लेयर्स ऑफ द हार्ट अगर हम बात करें, हार्ट 3 लेयर से मिलकर बना होता है। पिलो जल्दी पिलो। हार्ट कितनी लेयर से मिलकर बना होता है? 3 लेयर से मिलकर बना होता है, राइट। वह 3 लेयर कौन कौन सी होती है? कल मैंने आपका शॉर्ट में इसका रिव्यू करवाया था, यानी कि 3 लेयर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ यहाँ पे लिख सकते हैं कार्डियक, कार्डियक कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, कार्डियक कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। हार्ट 3 लेयर से मिलकर बना होता है, कार्डियक कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, राइट। कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, वो 3 लेयर कौन कौन सी होती है? यहाँ पे हम डैश लगा के, यानी कि पीमी, ठीक है, पीमी प्रेमी, प्यार मी, ठीक है, या तो प्यार मी बोल दो या प्रेम मी बोल दो, राइट। पी का मीन्स प्रेम, मी, ठीक है, पी मी। पी मीन्स पेरिमेट्रियम, इसको एपिमेट्रियम के नाम से भी जानते हैं। नहीं बेटा, मेट्रियम यूट्रस के लिए आता है, कंफ्यूजन मत होना। कार्डियम हार्ट के लिए आता है, याद रखना। मैंने बताया था यूट्रस के लिए मेट्रियम यूज करते हैं और हार्ट के लिए क्या करते हैं? कार्डियम यूज करते हैं। बाकी पेरी मायो एंडो वहां पर भी होता है, कंफ्यूजन नहीं होंगे, ठीक है। यानी कि हार्ट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, पी स्टैंड फॉर पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। 3 लेयर से मिलकर बना होता है। यहां पर इन्हीं तीनों लेयर्स को मैं लिख रहा हूं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करके। यानी कि सबसे इनर जो मोस्ट लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। इनर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलेंगे? एंडोमेट्रियम बोलेंगे। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? वंदना, क्या बोलेंगे? एंडोमेट्रियम किसका बना होता है? एंडोमेट्रियम कौन बताएगा? यानी कि मिडल लेयर को हम क्या बोलेंगे? मायो, बेटा नॉट मैट्रियम, मायो कार्डियम एंड एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम, ठीक है बेटा। फिर बता रहा हूं, देखो, मैंने यूट्रस के चक्कर में उल्टा पुल्टा, यानी कि एंडोकार्डियम वर्ड हार्ट के लिए आता है, मैट्रियम वर्ड यूट्रस के लिए आता है। यानी कि एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम यूट्रस में चलता है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरिमेट्रियम आउटर लेयर ऑफ द यूट्रस, पेरिमेट्रियम आउटर लेयर ऑफ द हार्ट, पेरिकार्डियम मिडल लेयर ऑफ द यूट्रस, मायोमेट्रियम आउट मिडल लेयर ऑफ द हार्ट, मायोकार्डियम इनर लेयर ऑफ द हार्ट, एंडोकार्डियम इनर लेयर ऑफ द हार्ट, एंडोकार्डियम, राइट, और इनर लेयर ऑफ द यूट्रस, एंडोमेट्रियम। नहीं होंगे कंफ्यूजन, ठीक है। यानी कि ये हार्ट के सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। यानी कि एंडोमेट्रियम कौन सी लेयर होती है? इनर मोस्ट लेयर होती है बेटा। ये अंदर से बाहर की ओर है, और ये जो आपने लिखा है ये बाहर से अंदर की ओर है। ये कहाँ से? आउटर टू इनर। और ये जो इधर से जा रहा है ये है इनर टू आउटर, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। एंडोमेट्रियम को हम क्या बोलते हैं? इनर मोस्ट लेयर बोलते हैं, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। हार्ट के क्या होती है? इनर मोस्ट लेयर होती है, राइट। यहां से किसी को कोई दिक्कत है? हार्ट की इनर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम बोलते हैं, राइट। अब दूसरी बात यह है कि ये किसकी बनी होती है? एंडोथीलियम की बनी होती है। किसकी बनी होती है? एंडोथीलियम की बनी होती है, राइट। पूछा जाता है कि हार्ट की इनर लेयर किससे या किसकी बनी होती है? एंडोथीलियल, या एंडोथीलियम भी बोल सकते हो, या फिर एंडोथीलियल टिश्यू बोल सकते हो, एंडोथीलियल टिश्यू, राइट। एंडोथीलियल किससे बने होते हैं? टिश्यू से बनी होती है, या फिर क्या बोल सकते हो? एंडोथेलियल सेल से बनी होती है, राइट। इस एंडोथेलियल को एक और नाम दिया जाता है, जैसे आपने एक बार सुना होगा ना, एपिथीलियम। इनर मोस्ट
ऑर्गन का अंदर लाइनिंग प्रोवाइड करने का काम करता है। यूट्रस के अंदर, हार्ट के इनर साइड, ब्लेडर के इनर साइड, इसमें लाइनिंग प्रोवाइड करने का काम करता है एंडोथेलियम। और ये क्या होती है, कुछ 3 डेज में या 1 to 7 डेज में रिप्लेस हो जाती है, डैमेज होके दूसरी नई बन जाती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हार्ट के इनर मोस्ट लेयर किसे कहते हैं, एंडोकार्डियम को कहते हैं। एंडोकार्डियम किसकी बनी होती है, एंडोथेलियल सेल्स के बनी होती है। किसे बनी होती है, एंडोथेलियल सेल से बना होता है। अब आपसे पूछा जाए कि एंडोथेलियम सेल से बना होता है, ठीक है, वो तो हमें भी पता है, बट अब ये बताइए कि एंडोकार्डियम का फंक्शंस क्या है। पूछा जा सकता है कि एंडोकार्डियम क्या काम करता है, फंक्शंस ऑफ द एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम का जो फंक्शंस होता है, ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है किसको, फ्रिक्शंस को। प्रिवेंट करता है किसको, फ्रिक्शंस को। प्रिवेंट फ्रिक्शंस, जो फ्रिक्शंस होते हैं उसको प्रिवेंट करने का काम करता है। फ्रिक्शंस जानते हैं आप, घिसाव। देखो घिसाव कैसे होता है, ये क्या है, हार्ट है अपना, राइट, दिखाई दे रहा है, क्या है, हार्ट है, राइट। इस हार्ट में 4 क्या होते हैं, कमरे होते हैं। 4 क्या होते हैं, 4 क्या होते हैं, चैम्बर्स होते हैं, राइट। कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं, समझ रहे हो आप। अब देखो इधर, अब इनको ध्यान से देखो, देखो इसको ध्यान से, ये वो दिल है जो धड़कता है, ठीक है। जब यहां पर देखोगे आप, इस प्रकार से वाल नजर आएंगे, यानी कि एंडोमेट्रियम क्या करता है, इस चैम्बर को स्मूथ लाइनिंग प्रोवाइड करने का काम करता है। इस प्रकार से करे स्मूथ लाइनिंग प्रोवाइड, राइट, यानी कि एंडोमेट्रियम हार्ट के चैम्बर्स को, हार्ट के वाल को क्या करती है, इस प्रकार से स्मूथ लाइनिंग प्रोवाइड करने का काम करती है, एक स्मूथ थिन लाइन प्रोवाइड करने का काम करती है, राइट किया। देन यहां पर मैं इस कलर से डिनोट कर देता हूं, ये वाल्व है, वाल्व को भी क्या करते हैं, स्मूथ लाइनिंग प्रोवाइड करने का काम करती है। चारों वाल्व को स्मूथ लाइनिंग प्रोवाइड करने का काम करेगी, राइट। तो एक तो क्या है, प्रिवेंट फ्रिक्शंस, और दूसरा फंक्शंस ये लिख सकते हो, ये प्रोवाइड करती है स्मूथ लाइनिंग किसको, हार्ट वाल एंड चैम्बर को, प्रोवाइड स्मूथ लाइनिंग, प्रोवाइड स्मूथ लाइनिंग किसको, स्मूथ लाइनिंग प्रोवाइड करेगी, ब्रैकेट में लिख लो, हार्ट चैम्बर एंड वाल्व, हार्ट चैम्बर एंड वाल्व को क्या करती है, स्मूथ लाइनिंग प्रोवाइड करने का काम करती है। अब देखो इधर, ये क्या था, स्मूथ लाइनिंग प्रोवाइड किया, अब इसके अंदर क्या भरा हुआ है, ब्लड भरा हुआ है, ये देखो चैम्बर्स के अंदर क्या भरा हुआ है, ब्लड भरा हुआ है, वेंट्रिकल्स के अंदर, एट्रियम के अंदर, राइट, ब्लड भरा हुआ है कि नहीं। अब जब ये वेंट्रिकल, जो एट्रियम, जब हार्ट क्या होता है, कॉन्ट्रिक्शंस करता है, कॉन्ट्रिक्शन करेगा तो इनर सरफेस ऑफ द हार्ट और ब्लड के बीच में घिसाव होगा, अरे होगा नहीं होगा, जब दो चीज को फोर्सफुली आगे धकेलेगा तो हार्ट और ब्लड के बीच में क्या होगा, घिसाव होगा, उस घिसाव को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शंस। और एंडोमेट्रियम स्मूथ लाइनिंग प्रोवाइड करती है, ये क्या करती है, उस घिसाव को कम करने का काम करती है, इसलिए कहते हैं प्रिवेंट फ्रिक्शंस, हार्ट को क्या करती है, फ्रिक्शन से बचाने का काम करती है, प्रिवेंट करती है किसको, फ्रिक्शन, घिसाव को, घिसाव से बचाने का काम करती है, राइट। और प्रोवाइड स्मूथ लाइनिंग हार्ट चैम्बर एंड हार्ट वाल्व, ठीक है। अभी बताऊंगा कितने चैम्बर्स होते हैं, कितने वाल्व होते हैं, यानी कि लेयर ऑफ द हार्ट के बाद चलेंगे चैम्बर ऑफ द हार्ट, फिर चलेंगे वाल्व ऑफ द हार्ट, मैंने आपको लिखाई दिया स्टेप बाय स्टेप। और अमान मोबाइल बंद करके आप इनसे फोटो या फिर वीडियो देख लेना, रिकॉर्डेड है। देन इसके बाद आगे हम बात करते हैं मायोमेट्रियम, कौन सा, मायोमेट्रियम सेकंड लेयर, हार्ट की सेकंड लेयर होती कौन, मायोमेट्रियम। देखो एक वर्ड यहां से ध्यान से समझना कि मायो का मीन्स होता है, मायो का मीन्स होता है मसल, क्या होता है, मसल होता है। अब थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जली होगी आपकी कि मायोकम इस मसल होता है, तो आंख बंद करके
फट से आंसर देना, मसल्स का ही बना होता है मायोमेट्रियम। और वो मसल कौन सी? कार्डिक मसल्स। अगर आपसे पूछा जाए कि मायोमेट्रियम किसका बना होता है, प्योरली कार्डिक मसल का बना होता है। ऐसी मसल है जो ओनली फॉर हार्ट में प्रेजेंट होती है और मायोजेनिक होती है, नॉट न्यूरोजेनिक। मायोजेनिक का मींस होता है कि खुद ही इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या करती है, जनरेट करती है, और खुद ही क्या करती है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को ट्रेवल करवाती है। मायोजेनिक न्यूरोजेनिक समझ में आ रहा है आपको? देन मसल, मायो मींस क्या होता है, मसल। तो पहली बात इसकी देख लेते हैं कि मायोकार्डियम हार्ट की कौन सी लेयर होती है, मिडल लेयर होती है। कौन सी होती है? मिडल लेयर, मिडल लेयर ऑफ द हार्ट। हार्ट की कौन सी लेयर होती है? मिडल लेयर होती है। ये बात दिमाग में क्या करना है, फिट करना है कि मायोकार्डियम मिडल लेयर होती है, ठीक है, और कौन से कार्डियल मसल की बनी होती है। अगला पॉइंट लिखो, ये किसकी बनी होती है? कार्डिक मसल्स। मैं यहां लिख रहा हूं मायोमेट्रियम नॉट मायोमेट्रियम सॉरी मायोकार्डियम, मायोकार्डियम मेड अप बाय कार्डियक मसल्स, मेड अप बाय कार्डियक मसल्स प्लस मसल फाइबर। कार्डियक मसल्स यहां लिख देता हूं, कार्डियक मसल्स ओनली हार्ट में प्रेजेंट होती है, प्लस कार्डियक मसल प्लस यहां कर देता हूं आपको मसल फाइबर, मसल फाइबर से बनी होती है। कार्डिक मसल और मसल फाइबर से मिलकर मायोकार्डियम बनी होती है, जो हार्ट की कौन सी लेयर होती है, हार्ट की कौन सी लेयर होगी, मिडल लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है? मिडल लेयर होती है। अब आपसे पूछा जाए कि इसका मेन काम क्या होता है, अगर पूछा जाए इसका फंक्शंस क्या होता है, मायोकार्डियम का फंक्शंस क्या होता है, याद रखना जो मेन लेयर होती है वो मायोकार्डियम ही होती है। मायोकार्डियम 95% हार्ट को मेडअप करने का काम करती है। मैं यहां लिख रहा हूं मायोकार्डियम कितना, यानी कि 95% हार्ट को क्या करती है, मेडअप करने का काम करती है। हार्ट का 95% हार्ट का क्या करता है, निर्माण करती है, राइट, मेडअप मींस निर्माण करती है। ये बात आपको समझ में आ गया, कितना परसेंट, 95% हार्ट का क्या करती है, निर्माण करती है, और ये रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। इसका मेन काम ही क्या होता है, हार्ट को मतलब ब्लड को पंप करना। ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिट्रैक्ट होती है, राइट, कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिट्रैक्शन होता है कि नहीं। तो इसका रेस्पॉन्सिबल फॉर यहां लिख लो मायोकार्डियम रेस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। हार्ट के पंपिंग एक्शन के लिए क्या होती है बेटा, रेस्पॉन्सिबल होती है। यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं? अब तीसरी बात यह है कि जो मायोमेट्रियम होती है वह स्पेसिफिक 3 फाइबर से मिलकर बनी होती है। कितने फाइबर से? 3 मसल फाइबर से मिलकर बनी होती है, जिसको मस्कुलर फाइबर के नाम से भी आप जान सकते हैं, राइट। तो 3 फाइबर कौन से हैं? एक फाइबर होता है मसल फाइबर फॉर कॉन्ट्रैक्शंस, राइट, कॉन्ट्रैक्शन के लिए। सेकंड होता है मसल फाइबर फॉर जनरेशंस, और थर्ड होता है मसल फाइबर फॉर कंडक्शंस। एक तो किसके लिए होता है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए होता है, और एक किसके लिए होता है, जनरेशन के लिए होता है, और दूसरा किसके लिए होता है, कंडक्शन ऑफ द हार्ट के लिए होता है। यहां पे लिख रहा हूं ठीक है, इधर लिख देते हैं बेटा, ठीक। यह फंक्शंस के बाद अगला पॉइंट है मायोमेट्रियम के अंदर,
ये पेरिकार्डियम को बाद में कर लेंगे, पहले मायोमेट्रियम देख लेते हैं, ठीक है। यानी कि मायोमेट्रियम यहां लिख रहा हूं, राइट, मायो कार्डियम नॉट मैट्रियम, मायो कार्डियम कंसिस्ट, मायोकार्डियम कंसिस्ट ऑफ थ्री मसल फाइबर्स, कंसिस्ट ऑफ थ्री मसल्स फाइबर्स, तीन मसल फाइबर से मिलकर बनी होती है। मायोकार्डियम कंसिस्ट ऑफ थ्री मसल फाइबर्स, मायोकार्डियम तीन मस्कुलर फाइबर से मिलकर बनी होती है। तीनों मस्कुलर फाइबर्स के क्या होते हैं, अलग अलग सेपरेट सेपरेट फंक्शंस होते हैं। कुछ मसल फाइबर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द हार्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो कुछ मसल फाइबर जनरेशन ऑफ इम्पल्स के लिए होता है, और कुछ मसल फाइबर कंडक्शन ऑफ इम्पल्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो तीन मसल फाइबर कौन कौन से हैं, देखिए इधर तीन मसल फाइबर देखो, नंबर वन, नंबर टू एंड नंबर थ्री। यहां लिख रहा हूं मसल फाइबर, मसल फाइबर्स फॉर, ये मसल फाइबर रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर कॉन्ट्रेक्शन, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द हार्ट, हार्ट के कॉन्ट्रेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। मसल फाइबर फॉर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द हार्ट, फर्स्ट मसल फाइबर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, हार्ट के कॉन्ट्रेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंड मसल फाइबर यानी कि जनरेशन ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स के जनरेशन के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। तो यहां लिख रहा हूं सेकेंड मसल फाइबर्स, मसल फाइबर्स फॉर, मसल फाइबर्स फॉर जनरेशन, जनरेशन ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स को जनरेशन के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता। एक तो किसके लिए था, कॉन्ट्रेक्शन के लिए, दूसरा किसके लिए है, इम्पल्स जनरेशन के लिए, और तीसरा किसके लिए है, कंडक्शन के लिए। आपको समझ में आ रहा है कि कौन सा मसल फाइबर हो सकता है जो इम्पल्स को जनरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल करके लिख लो, इसमें आपको याद है, अभी मैं लिखते पता लग जाएगा। यानी कि ऐसे नोड, कौन सा नोड, ऐसे नोड, इसको हम क्या बोलते हैं, पी सेल के नाम से भी जानते हैं, राइट, या फिर क्या बोलते हैं इसको, पेसमेकर, क्या बोलते हैं, पेसमेकर, पेसमेकर होता है, पी पी वाला पेसमेकर होता है, राइट। यानी कि कंडक्शन सिस्टम का जो मेन पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे नोड। ये 100 टाइम क्या करता है, इम्पल्स को जनरेट करने का काम करता है, राइट, ये जनरेट करता है, जनरेट किया, देन आगे का क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, फिर हार्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, समझ रहे हो। यानी कि थर्ड पॉइंट में लिखो मसल फाइबर फॉर, मसल, मसल फाइबर फॉर, बेटा दिखाई दे रहा है, मयूरी दिखाई दे रहा है, मसल फाइबर्स फॉर, ठीक है, मयूरी दिखाई दे रहा है कि नहीं, यस सर, ठीक है, मसल फाइबर्स फॉर, सर ये जो आप अभी लिख रहे हैं, कंडक्शन, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, यानी कि ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, इम्पल्स को कंडक्ट करने के लिए। नहीं समझ में आया, कंडक्ट का मीन्स यानी कि आप किसी को कंडक्ट करवाते हो, यानी कि एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हो, तो आप सिस्टमेटिक तरीके से एग्जाम को कंडक्ट करवाते हो, नहीं करवाते हो, इतने घंटे में कंप्लीट करवाना है, इतना ही टाइम देना है, उसके बाद कॉपी ले लेनी है, उसके बाद कॉपी की काउंटिंग करनी है, काउंटिंग में कोई कमी तो नहीं है, राइट, किसी स्टूडेंट ने दी तो नहीं है, या घर तो नहीं ले गया वो, कंडक्ट करवाते हो ना आप,
ये किसी प्रकार ये क्या करता है, जनरेशन करता है, जनरेट करता है इंपल्स का, और इंपल्स को क्या करता है, कंडक्ट करता है। सर कंडक्ट वर्ड थोड़ा अजीब सा लगा, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो बेटा इसको कर दो ट्रांसफर, क्या कर दो, ट्रांसफर करने का काम करती है, राइट। अब समझ में आ गया, देखो यानी कि ऐसे नोड इंपल्स जनरेट करता है तो किसको देता है, एबी नोड को, किसको देगा, एबी नोड को। एबी नोड इंपल्स जनरेट, अगर ये फेल हो जाए तब ये करता है, राइट। देन ये किसको देगा, पुरकिंजी फाइबर को। ऐसे एक और आता है बंडल ऑफ हिज, क्या आता है, बंडल ऑफ हिज, राइट, बोलते हैं आप उसको बंडल ऑफ हिज, राइट। देन बंडल ऑफ हिज आगे किसको देती है, पुरकिंजी फाइबर्स को। इस प्रकार से इंपल्स क्या होती है, कंडक्ट होती है। देखो एक मसल फाइबर ने जनरेशन किया इंपल्स का क्या किया बेटा, प्रोडक्शन किया, राइट, इंपल्स को जनरेट किया। देन दूसरे मसल फाइबर ने उसको ट्रांसमिट किया, ट्रांसफर बोल दो या ट्रांसमिट बोल दो, क्या किया उसको, ट्रांसमिट किया। ट्रांसमिट करने के बाद तीसरे मसल फाइबर को हार्ट में क्या किया, कॉन्ट्रेक्शन किया, तो ब्लड क्या हुआ बेटा, पंप, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा किसमें, एरोटा में, और एरोटो से जाएगा कहां पे, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में। राइट वेंट्रिकल ब्लड पंप करेगी पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा कहां पे, लंग्स में, लंग्स क्या करेगा, प्यूरिफाई करेगा, देन किधर डाल देगा, लेफ्ट एट्रियम में बाय द फोर पल्मोनरी वेंस, है कि नहीं, यहां तक आपको समझ में आया। मायोमेट्रियम के बाद आप पढ़ेंगे पेरीमेट्रियम भी इंपॉर्टेंट है, पेरीमेट्रियम के बारे में कई बार क्वेश्चन आता है। जैसे आप जान, आपको पता ही है कि अभी जो आपका सीएचओ का पेपर हुआ था 17 तारीख को, उसमें भी आया था पेरिकार्डियम से, आया कि नहीं आया, कार्डियम हार्ट के लिए, मेट्रियम यूट्रस के लिए, यहां तक आपको समझ में आया। देन इसको मिटा दूं मैं, सर, हेलो सर, सर सर, अरे सर ये नहीं लिखा मैंने, अरे यार, चलो कोई बात नहीं, यहां लिख लेते हैं, सर को सुनाई क्यों नहीं दे रहा है, जल्दी लिख लो बेटा, सर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, क्या वो मयूरी, सर ये लास्ट वाला दिखाई नहीं दे रहा है, मसल फाइबर फॉर कंडक्शन ऑफ इंपल्स, अब दिखाई दे रहा है, मसल फाइबर फॉर कंडक्शन ऑफ इंपल्स, देन थर्ड लेयर देख लेते हैं, यहां पर देख लेते हैं, राइट देखो इधर इसको कर देते हैं इस प्रकार से पैक, राइट। देखो फर्स्ट लेयर कौन सी थी, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, देन सी में लिख देते हैं आप कौन सी, पेरिकार्डियम, कौन सी कार्डियम, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम कौन सी लेयर होती है, हार्ट की आउटर मोस्ट लेयर होती है, कौन सी होती है, पेरिका मीन्स आउटर, यानी कि पेरी, यहां देखो एक वर्ड आ रहा है पेरी, पेरिका मीन्स होता है पेरिफेरल पार्ट पर, यानी कि बाहर की ओर होती है, पेरिफेरल मतलब आउटर होती, इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, राइट, क्या बोलेंगे इसको, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, यहां तक आपको समझ में आया, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट दिखाई दे रहा है। देन इसके बाद पेरिमेट्रियम का मेन काम होता है प्रोटेक्शन का, मेन काम क्या होता है, प्रोटेक्शन का होता है, रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को, तो रिड्यूस करता ही है, लेकिन प्रोटेक्शन का भी काम करता है, राइट।
अब बात करें ये पेरिमेट्रियम, यहां लिख रहा हूं पेरिमेट्रियम नहीं बेटा, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम कंसिस्ट ऑफ टू लेयर, कितनी लेयर से मिलकर बनी होती है, दो लेयर से मिलकर बनी होती है, कंसिस्ट ऑफ टू लेयर। वह टू लेयर कौन कौन सी होती है मैं आपको यहां बता देता हूं। एक को हम बोलते हैं, दिखाई देगा इस प्रकार से चलेंगे, एक को हम बोलते हैं, टू लेयर से मिलकर बनी होती है, एक को हम बोलते हैं फाइबर्स पेरिकार्डियम। क्या बोलेंगे, फाइबर्स पेरिकार्डियम, राइट। एक को हम बोलते हैं सीरस पेरिकार्डियम, एक को क्या बोलते हैं फाइबर्स पेरिकार्डियम, एक को हम क्या बोलते हैं सीरस पेरिकार्डियम। जो फाइबर्स पेरिकार्डियम होता है, फाइबर्स, ये दिखाई दे रहा बेटा, ये अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं लिख देता हूं, फाइबर्स पेरिकार्डियम, फाइबर्स पेरिकार्डियम बनी होती है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि फाइबर्स पेरिकार्डियम किसकी बनी होती है, फाइबर पेरिकार्डियम बनी होती है टफ इन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज की, किसकी बनी होती है, टफ इन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज। अगर आपसे पूछा जाए कि फाइबर्स पेरिकार्डियम किसकी बनी होती है, टफ इन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती है, तो मैं यहां लिख दूं, यहां लिख रहा हूं बेटा फाइबर्स पेरिकार्डियम मेड अप बाय टफ इन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, इन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती है, किसकी बनी होती है, इन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती है, फाइबर्स पेरिकार्डियम मेड अप बाय टफ इन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती है, किसकी बनी होती है, टफ इन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सीरस पेरिकार्डियम किसकी बनी होती है, सीरस पेरिकार्डियम बनी होती है मीजोथीलियम की, यह वो सीरस पेरिकार्डियम मेड अप या कंसिस्ट बाय भी लिख सकते हो, मेड अप बनी होती है किसकी, मेड अप बाय मीजोथीलियम की, इसकी बनी होती है मीजोथीलियम। मीजोथीलियम को हम एंडोथीलियम ही बोलते हैं, मीजोथीलियम को किस नाम से जानते हैं, दूसरा नाम एंडोथीलियम, मीजोथीलियम की बनी होती है, किसकी बनी होगी, मीजोथीलियम की, राइट। याद रखना कि जो सीरस पेरिकार्डियम है ये मीजोथीलियम की बनी होती है। सीरस पेरिकार्डियम फर्दर डिवाइडेड होते हैं दो पार्ट में, सीरस जो पेरिकार्डियम है ये सीरस पेरिकार्डियम फर्दर क्या होती है, डिवाइड होती है टू पार्ट में, कितने पार्ट में डिवाइड होती है, टू पार्ट में डिवाइड होती है, राइट। यह फर्दर डिवाइड होती है कितने पार्ट में, टू पार्ट में डिवाइड होती है। जो आउटर साइड में होती है, यानी कि जो आउटर मतलब जो स्टर्नम की तरफ होती है, राइट, आउटर साइड में, हार्ट के आउटर साइड में होती है, उसको बोलते हैं क्या, पेराइटल सीरस पेरिकार्डियम बोलते हैं, पेराइटल सीरस पेरिकार्डियम, राइट, समझ जाओगे, क्या बोलेंगे, पेराइटल सीरस पेरिकार्डियम। जो सेकेंड लेयर होती है, सेकेंड लेयर को हम बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम, क्या बोलेंगे, इसको भी आप शॉर्ट में डायरेक्ट ऐसे बोल दो, पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम, काहे को इतना दिमाग लगाते हो, विसरल पेरिकार्डियम, राइट। ये दोनों देखो, जब ये मीजोथीलियम की बनी है, कौन से, सीरस पेरिकार्डियम, तो सिंपल सी बात है, वो भी किसकी बनी होगी,
मेजोथेलियम की बनी होगी। अरे बनी होगी कि नहीं होगी, बनी होगी कि नहीं बनी होगी। इसको हम पेरिकार्डियम के नाम से भी जानते हैं, दूसरा नाम। इसको हम किस नाम से जानते हैं? पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं, या फिर इसको हम किस नाम से जानते हैं? एपिकार्डियम के नाम से भी जानते हैं, पेरिकार्डियम या एपिकार्डियम के नाम से भी जानते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आया? अब इनका फंक्शंस देखो, इन दोनों का फंक्शन देखो, इन दोनों के बीच में एक स्पेस होता है। इस प्रकार से पेराइटल और विसरल के बीच में क्या होता है? एक स्पेस होता है। इस स्पेस को हम बोलते हैं पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियल स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल स्पेस। और इसमें कुछ क्या भरा होता है? लिक्विड भरा होता है, कुछ फ्लूइड लाइक सब्सटेंस भरा होता है। इसमें क्या होता है? वाटर भरा होता है, राइट। ये वाटर से क्या करता है? इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसको रिड्यूस करने का काम करता है। जो घिसाव होता है उस घिसाव को क्या करता है? कम करने का काम करता है। तो इसके फंक्शंस क्या लिखोगे? दोनों के फंक्शन की बात कर रहा हूं, यानी कि यह दोनों समझ लो या फिर सीरस पेरिकार्डियम समझ लो, इनका फंक्शंस एक ही होता है। यह क्या करता है? रिड्यूस करता है किसको? फ्रिक्शंस को। किसको रिड्यूस करेगा? फ्रिक्शंस को रिड्यूस करने का काम करता है। किसको रिड्यूस करेगा बेटा? फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करता है। यहां तक आपको समझ में आया? आया कि नहीं, राइट। अब कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि पेराइटल और विसरल के बीच में जो देखो पेरिकार्डियल स्पेस में जो फ्लूइड भरा होता है, इस फ्लूइड को हम बोलते हैं किसके नाम से? पेरिकार्डियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं, राइट। और इसका जो नॉर्मल अमाउंट होता है वो होता है 15 से 35 ml। कितना होता है? 15 to 35 ml होता है, राइट। अभी मैं डायग्राम से समझाऊंगा आपको, एक बार आपने समझा अब डायग्राम से समझाऊंगा। ये लिख लिया ऐसे कैसे? सारा हो गया, इनको लिखना है, देन फिर वन बाय वन में आपको लिखाने वाला हूं। सर जल्दी करो बेटा, लिखो सर। सर 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 इसके बाद मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा, इसको और अच्छे से समझ में आएगा। विसरल में तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कहाँ क्या लिखा है। उन्नति कितने नाटक कर रही है बेटा, जल्दी चली जाना। दीख क्या हुआ मयूरी? सर प्रॉपर दिखाई नहीं,
दिखाई नहीं दे रहा, आपके तरफ से क्वालिटी बढ़ाओ, अपने आप विजुलाइज होने लग जाएगा। सर वो कैसे बढ़ानी है? उसमें आता है ऑप्शन में, वहां पे तीन व तीन डॉट आ रहे होंगे, तीन डॉट में क्लिक करो, वहां पे जहाँ पे आपके पास 200 के समथिंग आपका चल रहा होगा। नहीं आया समझ में? नहीं आया। देखो सर किस ऑप्शन आपके बेटे, अच्छा अभी कौन सा दिखाई नहीं दे रहा आपको ये बताओ मुझे। सर ये लास्ट वाला दिखाई नहीं दे रहा मेरे को, जो आपने साइड दिखाई ना। अच्छा ये लास्ट वाले को मैं बता देता हूँ, थोड़ा दिखाई देगा आपको, क्यों नहीं देगा? आप दिखाई दे रहा है? नहीं सर, आप बोल दीजिए या फिर आप अभी बोल रहे थे ना प्रॉब्लम। हाँ अभी लिखाऊंगा, पेरिकार्डियम आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट होती है, राइट। पेरिकार्डियम दो लेयर से मिलकर बनी होती है, एक होती है फाइबर्स पेरिकार्डियम, ये फाइबर्स पेरिकार्डियम, दूसरी होते हैं सेरस पेरिकार्डियम। फाइबर्स पेरिकार्डियम बनी होती है टफ इन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज की, यहाँ लिखा है टफ इन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज की, राइट। देन इसके बाद आओ सीरस पेरिकार्डियम, सीरस पेरिकार्डियम मीजोथीलियम की बनी होती है, किसे बनी होती है? मीजोथीलियम से। ये दो पार्ट में फर्दर क्या होती है? डिवाइड होती है। आउटर साइड यानी कि फाइबर्स की ओर जो होता है, फाइबर्स पेरिकार्डियम की ओर, उसको बोलते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम। इधर होता है इसको बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम, राइट। पेराइटल पेरिकार्डियम को हम पेरिकार्डियम के नाम से भी जानते हैं। इन दोनों के बीच में एक स्पेस होता है, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस। स्पेस के अंदर कुछ लिक्विड होता है, उस लिक्विड को हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, जिसका नॉर्मल वैल्यू होता है 15 to 35 ml, 15 से 35 ml, 15 से 35 ml। और इसका काम होता है सीरस पेरिकार्डियम का रेड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करने का काम करते हैं, राइट। अब एक बार मैं फिर यहां से रिव्यू करवा रहा हूं, ध्यान से देखो, सभी को ध्यान से देखना है। देखो हार्ट तीन लेयर से मिलकर बना होता है, कितनी लेयर से? थ्री लेयर से मिलकर बना होता है, समझ रहे हो आप? तीन लेयर कौन कौन सी है? एक को हम बोलेंगे क्या? एंडोकार्डियम। क्या बोलेंगे? एंडोकार्डियम। सेकंड है मायोकार्डियम। थर्ड है कौन सी? पेरिकार्डियम। एंडोकार्डियम को हम इनर मोस्ट लेयर के नाम से जानते हैं, कौन से लेयर के नाम से? इनर मोस्ट लेयर के नाम से जानते हैं। ये एंडोथीलियम टिश्यू सेल से मिलकर बना होता है, एंडोथीलियल सेल से मिलकर बना होता है। अगर आपसे पूछा जाए एंडोकार्डियम किसका बना होता है, एंडोथीलियल सेल का बना होता है। एंडोकार्डियम का जो फंक्शंस होता है, वो फंक्शंस होता है, ये प्रिवेंट करता है किसको? फ्रिक्शन को। किसको प्रिवेंट करता है? फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने का काम करता है। किसको प्रिवेंट करेगा? प्रिवेंट फ्रिक्शंस, फ्रिक्शंस को प्रिवेंट करने का काम करता है। प्रिवेंट करता है किसको? फ्रिक्शंस को, राइट। देन इसके बाद एंडोकार्डियम क्या करता है? जो हार्ट के चेंबर्स होते हैं, हार्ट के जो वाल्व्स होते हैं, उनको स्मूथ लाइनिंग प्रोवाइड करने का काम करता है। हार्ट के जो चेंबर्स होते हैं, वाल्व होते हैं, उनको स्मूथ लाइनिंग प्रोवाइड करने का क्या करता है? काम करता है। देन सेकेंड लेयर, बीच वाली लेयर को बोलते हैं मायोकार्डियम। प्योरली कार्डिक मसल की बनी होती है, उसमें सम अमाउंट में क्या होते हैं? मसल फाइबर भी प्रेजेंट होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मिडल लेयर ऑफ द हार्ट के नाम से जानते हैं। इसका मेन काम क्या होता है? मायोकार्डियम का जो मेन काम होता है, पंपिंग एक्शन के लिए क्या होती है? रेस्पॉन्सिबल होती है। मायोकार्डियम मेड अप होती है किसे? कार्डिक मसल से और मसल फाइबर से। मसल फाइबर प्लस कार्डिक मसल से बनी होती है मायोकार्डियम।
मायोकार्डियम का मेन जो काम होता है वह काम होता है मायोकार्डियम रेस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। हार्ट को पंप करवाने के लिए मेनली जो रेस्पॉन्सिबल होती है वह मायोकार्डियम होती है। मायोकार्डियम हार्ट को 95% बनाने का काम करती है। रिमेनिंग पार्ट कितना बचा? 5 को एंडो और पेरिकार्डियम बनाने का काम करती है। 95% भाग मायोकार्डियम से बना होता है हार्ट का, 5% भाग एंडोकार्डियम एंड पेरिकार्डियम का बना होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? देन इसके बाद यही लाइन मैंने यहाँ लिखी है आपके लिए कि यानी कि 95% हार्ट का निर्माण करने का काम करते कौन? मायोकार्डियम। देन इसके बाद मायोकार्डियम 3 मसल फाइबर से मिलकर बना होता है। ये मसल फाइबर इसके काम के आधार पर इनका डिवीजन किया गया है, यानी कि ये वर्कआउट के आधार पर इनका डिवीजन किया गया है। यानी कि नंबर 1 में हम लिखते हैं मसल फाइबर फॉर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द हार्ट। एक मसल फाइबर होता है जो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट रिट्रैक्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और क्या करने के लिए? कॉन्ट्रैक्ट और रिट्रैक्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा जो मसल फाइबर्स होता है वो मसल फाइबर रेस्पॉन्सिबल होता है जनरेशंस ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स को प्रोड्यूस करने के लिए, इम्पल्स को उत्पन्न करने के लिए, इम्पल्स का निर्माण करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। उसको बोलते हैं मसल फाइबर फॉर जनरेशन ऑफ इम्पल्स। हार्ट के अंदर जो मसल का फॉर्मेशन होता है, मसल का जो जनरेशन, सॉरी इम्पल्स का जो जनरेशन होता है, इम्पल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से होता है? ऐसे नोड से होता है। मेनली किसे होता है? ऐसे नोड से। ऐसे नोड को पेसमेकर के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इसे पी सेल भी कहा जाता है, हार्ट की पी सेल भी कहा जाता है। ये क्या करता है? 1 मिनट में 100 टाइम इम्पल्स को प्रोड्यूस करने का काम करता है। जब यह फेल हो जाता है तब एबी नोड क्या करता है? इम्पल्स को प्रोड्यूस करता है। एबी नोड भी फेल हो जाता है तब पुर्किंजी फाइबर्स क्या करता है? इम्पल्स को प्रोड्यूस करता है, बट लोअर देन द, अगर ऐसे फेल होगा तो इसे कम एबी करेगा। 100 करता है तो कितना करेगा? 40 से 60 करेगा। जब एबी भी फेल हो जाए तो 20 से 40 कौन करेगा? पुर्किंजी फाइबर्स करेगा। यहां तक आपको समझ में आया? थर्ड मसल फाइबर है मसल फाइबर फॉर कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स को कंडक्ट करवाते हैं 1 by 1 करके। जैसे ऐसे नोड ने जनरेट किया, एबी को दिया, एबी स्टिमुलेट हुआ, आगे किसको दिया? बंडल ऑफ ईस को दिया, बंडल ऑफ ईस ने ब्रांच ऑफ ईस को दिया, ब्रांच ऑफ ईस ने पुर्किंजी फाइबर्स को दिया। देन पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम हार्ट के सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। पेरिकार्डियम हार्ट की क्या होती है? सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है पेरिकार्डियम, यानी कि दो लेयर से मिलकर बनी होती है, दो लेयर से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट लेयर को बोलते हैं फाइबर्स पेरिकार्डियम और सेकंड होती है सीरस पेरिकार्डियम। जो फाइबर्स पेरिकार्डियम होती है हार्ट की वो बनी होती है टफ इन इलास्टिक, टफ इन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज की। किसकी बनी होती है? टफ इन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती है। देन इसके बाद सीरस होती है, सीरस लेयर बनी होती है किसकी? मीजोथीलियम की। किसके बनी होती है? मीजोथीलियम की। सीरस लेयर फर्दर डिवाइडेड टू लेयर्स, टू लेयर में डिवाइड होती है। आउटर जो फाइबर्स पेरिकार्डियम की ओर होती है उसको पेराइटल लेयर बोलते हैं, और जो मायोकार्डियम की ओर होती है उसको विस्ट्रल पेरिकार्डियल लेयर बोलते हैं। राइट, क्या बोलेंगे? विस्ट्रल पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन्स बोलेंगे। इन दोनों के बीच में एक स्पेस होता है उसको पेरिकार्डियल स्पेस बोलते हैं। इनके अंदर कुछ लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड को पेरिकार्डियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। इसका अमाउंट होता है 15 से 35 ml।
15 to 35 ml। अगर इसे ज्यादा होता है तो हार्ट क्या होता है, कंप्रेस हो जाता है, कार्डियक टेम्पोनेट हो जाता है या फिर कार्डियक इफ्यूजन हो जाता है। बहुत सीरियस कंडीशन होती है, क्योंकि पंपिंग में क्या होता है बेटा, प्रभाव पड़ता है। पंपिंग में क्या होती है, कमी आती है, सप्लाई में कमी आती है, तो टिश्यू ऑर्गन में क्या हो जाता है, हाइपोक्सिया। इसलिए सीरियस कंडीशन होती है, सीरियस कंडीशन होती है कार्डियक इफ्यूजन। अब मैं इसको आपको डायग्राम से समझा रहा हूं, मिटा दूं मैं इसे, मिटा दूं, मिटाऊं कि नहीं, मिटा देता हूं। अब डायग्राम से समझना आप, अभी आपने क्या देखा था, इनर टू आउटर देखा था, राइट। अब डायग्राम से आपको बताएंगे आउटर टू इनर क्या हुआ। बेटा कैसे हंस रहे हो, क्या बात है, हंसना हेल्थ के लिए अच्छा है। बेटा ये वही दिल है जो धड़कता है, दिखाई दे रहा है सभी को, क्या होता है, धड़कता है। आपका नहीं धड़कता, किसके लिए, किसके लिए, मेरे लिए, किसके लिए, मेरे लिए धड़कता है। अच्छा क्यों धड़कता है, दिल में कोई बसा तो नहीं रखी। बेटा ये दिल वो काम नहीं करता है, यह दिल काम करता है सिर्फ पंपिंग एक्शन का। वो जो काम करता है ना वो ब्रेन के अंदर फिट होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, एरोटा बोलेंगे, राइट। सभी जानते हो एरोटा। देन यहां से इसके चैम्बर एक और लाइन डाल लेते हैं इस तरफ, राइट। इसको बोलते हैं क्या, राइट एट्रियम। इसको बोलेंगे राइट वेंट्रिकल्स। इसको बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट एट्रियम्स, राइट एट्रियम्स, राइट। आप इधर देखो, सबसे आउटर जो लेयर होती है हार्ट की, कौन सी लेयर, आउटर लेयर। सिर्फ लेयर देख रहे हैं यहाँ पे, सबसे जो आउटर लेयर होती है उस आउटर लेयर को हम बोलते हैं किसके नाम से, यानी कि पेरी, क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियम। सबसे आउटर को हम क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियम, राइट। और पेरिकार्डियम दो लेयर से मिलकर बनी होती है, एक तो फाइबर पेरिकार्डियम होता है, एक सीरस पेरिकार्डियम होता है। देखो इधर मैं आपको पूरा दिखाता हूं, यहां से अच्छी तरह सारी लेयर डाल के दिखाता हूं, आप भी अच्छी तरह देखेंगे, राइट। इसको बनाना आप बनाओगे तभी काम चलेगा, क्योंकि अब आप सब क्या हो गए, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हो गए। ये जो ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। हार्ट के जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम दो लेयर से मिलकर बनी होती है, कितने लेयर से, दो लेयर से। तो मैं आपको यहां बता रहा हूं इस प्रकार से, एक और डाल के, राइट। यानी कि ये वाली जो लेयर होती है इसको हम बोलते हैं क्या, ये वाले देख रहे हो आप, जिसको मैंने इस प्रकार से राउंड राउंड कर दिया, ये पूरी एक लेयर है, एक फाइबर, एक धागे के समान कर दिया मैंने, किया कि नहीं किया, ये वाले जो बोल्ड कर रखी है मैंने, ताकि इसको आप दो ना समझे, इसलिए किया है, राइट।
इसको बोलते हैं फाइबर्स पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? फाइबर्स पेरिकार्डियम। इस लेयर को हम क्या बोलेंगे? फाइबर्स पेरिकार्डियम, फाइबर्स पेरिकार्डियम बोलते हैं, पेरिकार्डियम राइट। कौन सी लेयर बोलते हैं इसको? फाइबर्स पेरिकार्डियम राइट। देन इसके बाद जो ये लेयर होती है, कौन सी वाली, इसको मैं आपसे इस प्रकार से डिनोट करवाता हूं, ये वाली, ये जो लेयर देख रहे हो आप, ये वाली बीच वाली लेयर देख रहे हो आप, ये वाली लेयर जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं थोड़ा इस प्रकार से, राइट, समझाओगे? ये वाली लेयर, राइट, कौन सी लेयर? ये वाली लेयर, ये वाली जो लेयर है, इस लेयर को बोलते हैं हम इसको, यानी कि एक तो ये वाली और एक ये वाली, देख रहे हो दो लेयर्स, एक तो यहां से देखो आप, रेड कलर से डिनोट कर देता हूं, एक तो कौन सी वाली? ये वाली, राइट, एक कौन सी? ये वाली, इनको बोलते हैं सीरस पेरिकार्डियम। क्या बोलेंगे? सीरस पेरिकार्डियम राइट। और इन दोनों को हम बोलते हैं क्या? पेरिकार्डियम। क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियम। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम राइट। हार्ट के आउटर मोस्ट लेयर, ये फर्दर डिवाइड होती है दो लेयर में, एक को क्या बोलते हैं? पेराइटल पेरिकार्डियम, इसको हम क्या बोलेंगे? पेराइटल पेरिकार्डियम बोलेंगे। ये पेराइटल जो पेरिकार्डियम वाली जो लेयर है, ये वाली लेयर है, कौन सी लेयर? पेराइटल पेरिकार्डियम वाली, ये वाली लेयर है राइट, दिखाई दे रही है आपको, ये वाली लेयर, ठीक है, पेराइटल पेरिकार्डियम। देन सेकंड है विसरल पेरिकार्डियम, कौन सी लेयर? विसरल पेरिकार्डियम राइट। ये विसरल पेरिकार्डियम वाली जो लेयर है, ये वाली लेयर है राइट, दिखाई दे रहा है। अब इन दोनों के बीच में आपको जो स्पेस नजर आ रहा है, देख रहे हो आप, एक तो पेराइटल दूसरी विसरल, इनके बीच में जो स्पेस नजर आ रहा है, ये वाला आ रहा है, इस स्पेस को बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस। क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियल स्पेस। क्या बोलेंगे इसको? पेरिकार्डियल स्पेस बोलेंगे। अरे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? पेरिकार्डियल स्पेस बोलेंगे राइट। अब इस पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर देख रहे हो आप, इस पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर कुछ लिक्विड भरा होता है इस टाइप से, देख रहे हो आप, क्या भरा होता है? लिक्विड भरा होता है, आ जाएगा समझ में आपको, दिखाई दे रहा है? ये जो डॉट डॉट है, ये वाटर है, क्या है? लिक्विड है, जो दिखाई दे रहा है आपको डॉट डॉट लाइक, यह पानी भरा है। इस पानी को हम बोलते हैं हार्ट की मेम्ब्रेन के बीच में जो पानी भरा होता है, ये ना तो सेल के बाहर है ना ये सेल के अंदर है, याद रखना, ना ये सेल के बाहर है ना ये वाटर सेल के अंदर है, ना इसको हम इंट्रा सेलुलर बोलते हैं ना इसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड बोलते हैं राइट। इसको बोलते हैं, यहाँ पर जो ये फ्लूड है देख रहे हो आप, इस फ्लूड को हम बोलेंगे पेरिकार्डियल फ्लूड, पेरिकार्डियल फ्लूड, ये देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं क्या? पेरिकार्डियल फ्लूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो पेरिकार्डियल स्पेस में होता है उस फ्लूड को हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूड बोलते हैं राइट। ये क्या होता है, यानी कि ट्रांस सेलुलर फ्लूड होता है। किस टाइप का फ्लूड होता है ये? इसको पेरिकार्डियल फ्लूड को हम किस टाइप में बोलते हैं? ट्रांस सेलुलर फ्लूड बोलते हैं राइट। सर हमें समझ में नहीं आ रहा, इधर देखो, आपके बॉडी में दो टाइप के, तीन, मेनली तीन टाइप के फ्लूड होता है। एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड,
एक होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड और दूसरा होता है ट्रांस सेलुलर फ्लूइड। ये तीन टाइप के आपके बॉडी में क्या होता है, फ्लूइड होता है। अगर एडल्ट मेल के अंदर देखे, मेल या फीमेल, एडल्ट जो मेन है, एडल्ट जो पर्सन है उसके अंदर 70% क्या होता है, वाटर होता है। कितना परसेंट होता है, 70%। कुछ एक्स्ट्रा होता है, कुछ इंट्रा होता है, कुछ ट्रांस सेलुलर फ्लूइड होता है। यानी कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, यहाँ लिख लो फॉर एग्जांपल करके, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं ब्लड, उसको बोलते हैं लिम्फ, ब्लड बोलेंगे, लिम्फ बोलेंगे, राइट। और यहां लिख देता हूं एटसेट्रा, राइट। और भी है, चाहो तो आप लिख सकते हो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, एक्स्ट्रा में मतलब यहां कि इंटर स्टीसियल फ्लूइड भी बोलते हैं, राइट। क्या बोलते हैं, इंटर स्टीसियल फ्लूइड। देन और भी है आगे, लेकिन यहां तक लिखो आप, बाद में पढ़ा दूंगा मैं इसे, ETC। अब यहां पे देखो, इसमें इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कौन कौन सा होता है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है ना, सेल के इनसाइड होता है कि नहीं होता, आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ETC, ये होता है। और ट्रांस जो सेलुलर होता है, फॉर एग्जांपल ट्रांस सेलुलर की अगर बात आए तो ट्रांस सेलुलर में आता है आपका, यानी कि पेरिकार्डियल फ्लूइड, कौन सा आता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड आता है। देन पेरिटोनियल फ्लूइड आता है, पेरिटोनियल, पेरिटोनियल फ्लूइड आता है। देन प्लूरल, प्लूरल फ्लूइड आता है। देन CSF आता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड आता है, ETC, राइट, या ट्रांससेलुलर फ्लूइड होता है। ठीक इसी प्रकार पेरिकार्डियल फ्लूइड किस टाइप का फ्लूइड है, ट्रांससेलुलर फ्लूइड है, राइट। इसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है, देखो इस फ्लूइड का जो नॉर्मल वैल्यू होता है, देख रहे हो आप, इस फ्लूइड का नॉर्मल, नॉर्मल मयूरी दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है आप, इस फ्लूइड का जो नॉर्मल वैल्यू होती है वह होती है कितनी, मैंने अभी बताया आपको 15 से 35 ml होता है, यानी कि 15 to 35 ml होता है। कितना होता है, 15 से 35 ml होता है। अगर ये 35 ml से ज्यादा हो जाए, ये फ्लूइड क्या हो जाए, ये कौन से लेयर बोल, इन दोनों को कौन से लेयर बोलते हैं, इन दोनों को, इनको बोलते हैं क्या, पेरिकार्डियल, राइट, क्या पेरिकार्डिया, पेरिकार्डियम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियम बोलते हैं। अगर ये फ्लूइड मोर देन कितना हो जाए, 35 ml से ज्यादा हो जाए, यहां लिख रहा हूं कितना हो जाए, फ्लूइड मोर देन 35 ml हो जाए, तो इस कंडीशन को हम मोर देन कितना, 35 ml हो जाए, ये फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाए 35 ml से ज्यादा हो जाए, उसको बोलते हैं कार्डियक, कार्डियक टेम्पोनेड, क्या बोलेंगे, कार्डियक टेम्पोनेड, या फिर इसको बोलते हैं, यहां और डाल के लिख देता हूं, कार्डियक यूफ्यूजन्स, क्या बोलेंगे, कार्डियक यूफ्यूजन्स बोलते हैं। जब इसमें अमाउंट ज्यादा होगा फ्लूइड का, देखो जब इसमें अमाउंट ज्यादा होगा तो हार्ट क्या हो जाएगा, कंप्रेस, कंप्रेस होगा तो इसका प्रॉपर कॉन्ट्रेक्शन और रिट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तो पंपिंग क्या होगी, अफेक्ट, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, इसलिए यह कंडीशन क्या होती है, सीरियस कंडीशन होती है बेटा, इमिडिएटली डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, कौन सी कंडीशन होती है, सीरियस कंडीशन होती है, राइट, क्योंकि पंपिंग में ये वाइटल ऑर्गन है, इनमें थोड़ा सा भी दिक्कत आता है तो मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इसलिए अर्ली चेकअप करवा लेना चाहिए।
राइट, यहां तक आपको समझ में आया ये बात? फिर बता रहा हूं, हार्ट की सबसे आउटर लेयर को पेरिकार्डियम लेयर बोलते हैं। पेरिकार्डियम लेयर दो लेयर से मिलकर बनी होती है, फाइबर पेरिकार्डियम, सीरस पेरिकार्डियम। फाइबर पेरिकार्डियम बनी होती है इन इलास्टिक फाइबर्स की, किसकी बनी होती है? इन इलास्टिक फाइबर बोल दो, इन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज बोल दो। देन इसके बाद जो सीरस होती है मेसोथेलियम की बनी होती है, यानी एपिथेलियम की बनी होती है। सीरस दो पार्ट में डिवाइड होती है, पेराइटल एंड विसरल। पेराइटल और विसरल के बीच में एक स्पेस होता है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस। उस स्पेस में कुछ लिक्विड फ्लूइड भरा होता है, उस फ्लूइड पार्ट को, फ्लूइड को बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड का नॉर्मल अमाउंट होता है 15 से 35 ml, 15 to 35 ml। अगर 35 ml से ज्यादा हो जाए उस कंडीशन को बोलते हैं कार्डिक टेम्पोनेट, कार्डिक इफ्यूजन। कार्डिक इफ्यूजन इज अ सीरियस कंडीशन, सीरियस कंडीशन होती है बेटा, क्योंकि इमीडिएटली डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, क्योंकि फ्लूड भरेगा तो हार्ट क्या हो जाएगा? कंप्रेस होगा कि नहीं होगा? अरे इधर फ्लूड भरेगा तो इधर दबाव लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना, तो हार्ट क्या हो जाएगा? कंप्रेस। कंप्रेस होगा तो प्रॉपर रिकॉल नहीं हो पाएगा, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, राइट? तो पंपिंग अफेक्ट होगी, सप्लाई अफेक्ट होगी, तो अदर कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? जनरेट होते हैं, इसलिए इसको मोस्ट सीरियस कंडीशन बोलते हैं, राइट? देन इसके बाद आगे हम बात करते हैं, ये आपको समझ में आ गया इंट्रा एक्स्ट्रा सेलर कौन सा होता है। देन इसके बाद जो मिडल लेयर होती है, मिडल लेयर को हम क्या बोलते हैं? मायो। जो मिडल लेयर होती है, यानी कि यह हार्ट इनर लेयर में बना रहा हूं अब, ये जो लेयर होती है हार्ट की, इसको हम क्या बोलते हैं? इनर लेयर के नाम से जानते हैं, राइट? जो ग्रीन कलर की आपको दिखाई दे रही है, ग्रीन कलर की जो लेयर्स है, ये कौन सी है? इनर लेयर, राइट? कौन सी लेयर है? इनर लेयर। देख रहे हो आप, कौन सी लेयर? इनर लेयर। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है? देखो इधर, यानी कि अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो रेड कलर की है, ये जो देख रहे हो आप, ये वाली जो लेयर है, इस लेयर को बोलते हैं मायोकार्डियम। क्या बोलेंगे इसको? मायोकार्डियम। इस रेड कलर वाले को क्या बोलेंगे? मायोकार्डियम। कौन सी लेयर है ये? मायोकार्डियम, राइट? मायोकार्डियम को हम क्या बोलते हैं? मिडल लेयर। कौन सी लेयर बोलेंगे? मिडल लेयर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानेंगे? मिडल लेयर के नाम से जानेंगे, राइट? कौन सी लेयर है? मिडल लेयर है हार्ट की, मिडल लेयर, राइट? यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है। कौन सी लेयर है? मिडल।